है, ये है वो, ये है बेलन, और ये दो इसके वर्षा कर भागे, बैकन और पेंदा। जो तेल का ड्रम देखा है वो बेलन का सिस्टिक उदाहरण, तेल का तेल की बैरल नहीं होती क्या, तो ट्रैक्टर वाले बैरल लाते वो सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसे पुस्तक को मोड़ कर दिखा सकते हैं कि ये भी बेलन का है। इसको बोलते वक्र पृष्ठ, जो मुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाला भाग वृत्ताकार है, नीचे वाला वृत्ताकार है, तो बेलन के अंदर जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल होता है, और जो दोनों वृत्ताकार भाग है उनका होता है 2πr² बाहर ले लेंगे, पीछे बच गया h + r + h और h + r एक ही बात है, जोड़ में कर्म विनिमय का नियम लागू होता है, 2 + 3 = 5 है और 3 + 2 = 5 है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल इसका 88 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र प्रश्न ये सूत्र लगेगा सर, 2πr कितना दे रखा है प्रश्न द्वारा, लिखना भी आपको हाल में प्रश्न द्वारा, यानी प्रश्न क्या दे रखा है, बराबर 88। कितना दे रखा है, 88। हमें निकालना आर है, आर त्रिज्या, 88 बटे, देखो ये वज्र गुणा चल रही, इसके हर में आ जाएंगे तुम, 2πh क्या हो गया, 88। पाई का मान कितना है, 7 ऊपर चला जाता है, वो भी अंश और हर, यस सर, हर से जो नीचे बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, 7 और नीचे 14, ये हो गया बेटा 22 चौके 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, यानी आर का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ये भी क्या पूछ रहा था, बेलन के आधार का व्यास, ये त्रिज्या निकली, व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या है, व्यास इसका दोगुना, व्यास क्या होता है, दोगुना, तो व्यास कितना हो गया, बेलन का व्यास बराबर 2 × r, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr h बराबर 88, अब ये भी लिखते दिया है। अब निकालना आर है, तो क्या कर सकते हैं, आर बराबर 88 बटे 2πh, पाई का मान कितना है, 22/7, एच कितना है, 14, तो हमने इसको जो काटा तो हमारे पास आर का मान आ गया 1, परंतु मैं त्रिज्या नहीं निकालनी, आर को रेडियस, डायमीटर बोलते हैं व्यास को अंग्रेजी में, हमें निकालना व्यास, तो व्यास कितना गया, 2 × r 2 × 3 बराबर 2 सेंटीमीटर, इस दिए गए बेलन का व्यास, आधार का व्यास हमने ज्ञात कर दिया। धन्यवाद।